नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और मैं हूं हर्ष वर्मा। तो इस त्योहारी सीजन में कंज्यूमर की आंख में आंसू ला रही है प्याज। जी हाँ, अचानक से प्याज की कीमत में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अगर आपने गौर किया हो तो कुछ समय पहले जो प्याज की कीमत थी वो 30 से 40 रुपए प्रति किलो बाजार में बिक रही थी, लेकिन ये अचानक से 60 से 70 से 80 रुपए प्रति किलो तक भी पहुंच गई है। अब ऐसे में कंज्यूमर जो है बहुत टेंशन में आ गया। पहले जो था वही टमाटर की कीमतों में एकदम से उछाल आया था, टमाटर एकदम लाल हो गया था, और अब प्याज की स्थिति देखने को मिल रही है। अगर आपने एक्सपर्ट्स को या फिर आप मंडी गए हो तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आई हैं। एक्सपर्ट का साफ तौर पर कहना है कि अभी ये आने वाले दिनों में या फिर आने वाले हफ्तों में ये 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। जी हाँ, जो प्याज है वो 100 का आंकड़ा पार कर सकता है, और यहाँ तक कि जो ये तेजी है या फिर बढ़ती है जो कीमतें हैं ये दिसंबर तक बरकरार रह सकती हैं। इसके पीछे के लॉजिक क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी ये फिलहाल जिस तरह से एक्सपर्ट और जो एपीएमसी है यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी वाले हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि भाई 100 रुपये प्रति किलो तक प्याज की कीमतें पहुंच सकती हैं। तो अगर मैं आपको बताता हूँ कि स्थिति है क्या, तो एपीएमसी जो मौजूदा वक्त में जो बेच रही है प्याज वो 65 से 70 रुपये प्रति किलो तक बेच रही है। अब इसके बाद अगर आप गाजापुर मंडी जाइए तो वहां पर भी स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। एएनआई की तरफ से यहाँ तक कि इस तरह की चीजें दिखाई भी गई हैं कि वहां पर अगर आप 5 किलो अगर प्याज लेने गए तो 350 रुपये किलो बिक रही है। वहीं उससे पहले इसकी जो कीमत थी वो करीब 300 रुपये प्रति किलो थी, और उससे पहले 250 रुपये प्रति किलो थी, लेकिन अब अचानक से उसमें एकदम से हाइक आया है, बहुत तेजी आई है। अगर इसके पीछे का आप लॉजिक समझे तो अगर कर्नाटक और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर जो ये दो राज्य हैं वहां पर भी प्याज की कीमतें बढ़ी हैं, और साफ तौर पे एपीएमसी और भी जो मंडी है वहां पर उनका कहना है कि डिमांड और सप्लाई का गेम है। इस तरीके से जिस तरह सप्लाई जो कम है और डिमांड ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हुई हैं। अब यहाँ पर सरकार भी हरकत में आ गई है, सरकार की तरफ से एक बैठक हुई पीटीआई के हवाले से, और सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपनी बफर स्टॉक से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज को बेचे। तो ये पूरी तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन साफ तौर पे अभी दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ पर प्याज के जो भाव हैं वो बहुत ज्यादा हैं। 60 से 70 से 80 रुपए प्रति किलो 1 किलो प्याज जो है वो बिक रही है, और आने वाले दिनों में 100 के आंकड़े को भी क्रॉस कर सकती है यहाँ पर, क्योंकि एकदम से त्योहारी सीजन जो नवरात्र था वो खत्म हुआ और उसके बाद से अचानक से इसमें पीक देखने को मिली है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में जिस तरीके से सरकार हरकत में आई है, क्या ये प्याज को कंट्रोल कर पाती है प्याज की कीमतों को, या फिर जिस तरीके से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब ये 100 का आंकड़ा भी पार कर सकती है जल्द ही, देखना होगा। और हम आपको अपडेट करेंगे तमाम खबरों को जिस तरीके से हर एक खबर करते हैं। बस आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।